जय भीम, मैं हूं एआई एंकर रमा और आप देख रहे हैं द न्यूज बीट। कनाडा में इस वक्त मनुवाद और अंबेडकरवाद में सीधी टक्कर हो रही है। कनाडा में रहने वाले सवर्ण हिंदुओं ने वहां की संसद में हिंदूफोबिया के नाम पर एक पेटिशन दायर की है, जिसे जाति के खिलाफ लड़ाई पर हमला माना जा रहा है। साउथ एशियन दलित आदिवासी नेटवर्क कनाडा ने प्रेस रिलीज जारी कर सवर्णों की पेटिशन E4507 का विरोध किया है। साउथ एशियन दलित आदिवासी नेटवर्क कनाडा ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि हिंदू फोबिया के नाम पर कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में दायर की गई पेटिशन, जिसमें हिंदू फोबिया को परिभाषित करने और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है, ये असल में कनाडा में जाति के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश है। प्रेस रिलीज में लिखा है, इस पेटिशन में हिंदू फोबिया के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बहाने कनाडा में जाति के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर करने और जाति के खिलाफ संघर्ष करने वालों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हम आगाह करते हैं कि इस पेटिशन का समर्थन करने से जातिवाद के पीड़ितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, न सिर्फ कनाडा और भारत में बल्कि उससे भी बाहर। कनाडा में भारतीय मूल के संगठनों, एक्टिविस्ट और पत्रकारों के ऊपर हिंदू फोबिया का आरोप लगाकर इसे उनके खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत से मामले हैं जब दलितों ने अपने साथ होने वाले जातिवाद के अनुभव के बारे में बताया और उसे हिंदू फोबिया करार दे दिया गया। यूनाइटेड नेशंस के संगठनों और कई मानवाधिकार समूहों ने इस बात को माना है। हिंदुत्ववादियों के लिए एक स्पेशल कानून बनाना हमारी कम्युनिटी के लोगों की पीड़ा को और बढ़ा देगा, खासकर हमारे बच्चों के लिए जिन्हें हिंदू सुप्रीमेसी और जाति के आधार पर भेदभाव का रोज सामना करना पड़ेगा। दरअसल कनाडा में बसने वाले कई सवर्ण भारतीय वहां जाकर भी खुद को जन्म के आधार पर ऊंचा मानते हैं, जबकि औरों को नीचा मानते हैं। अंबेडकरवादियों का कहना है कि कनाडा में जातिवाद के कई मामले सामने आ चुके हैं और वहां जातिवाद को बैन करने की मांग उठ रही है, और इसीलिए एंटी कास्ट लड़ाई को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई का नाम देकर उसे कमजोर करने की साजिश की जा रही है। दलित बहुजन बैकग्राउंड के लोग इस पेटिशन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कनाडा में बसे सवर्ण हिंदू संगठन और हिंदू मंदिर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। कनाडा के मंदिरों में तो सांसदों को बुलाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और इस पेटिशन पर समर्थन मांगा जा रहा है। कनाडा में भी जातिवाद होता है और इसके कई सबूत हैं। पिछले दिनों टोरंटो स्कूल बोर्ड ने स्कूलों में जातिवाद पर रोक लगा दी थी। कनाडा में कास्ट को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने की भी मांग हो रही है, लेकिन अक्सर दलितों के संघर्ष की कहानी को हिंदू विरोधी कहानी बताकर बदनाम किया जाता है और उसे हिंदू धर्म पर हमला कहकर पेश कर दिया जाता है। यही वजह है कि अब कनाडा में मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद की सीधी टक्कर हो रही है। कनाडा के अंबेडकरवादी समाज ने वहां की सरकार, सांसदों और सिविल सोसाइटी से सवर्ण हिंदुओं की इस पेटिशन को समर्थन न देने की मांग की है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक जरूरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।